नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विल स्टोरीज। आज का मेरा मुद्दा है बांग्लादेश के हिंदूज को कैसे सेव करा जाए। मैं वहाँ पे डेमोक्रेसी स्थापित होगी या इस्लामिक राज या देश टूट जाएगी बांग्लादेश दो हिस्सों में, इस पर नहीं जा रही हूँ। मगर एक हिंदू के नाते मेरे हिंदू भाई को कैसे बचाना है, इस पर मैं सोच रही हूँ। और इंडिया एज ए बिग ब्रदर, उनके हमारे पास दो तीन ऑप्शन हैं, मगर मैं जहाँ तक देख रही हूँ गवर्नमेंट की नज़र से बैक एंड में कुछ काम कर रही है, मगर जनता को वरी की वजह से आपसे विनयपूर्वक प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी से, जयशंकर जी से पूछना चाहती हूँ। हम्बल रिक्वेस्ट समझिए कि मैं जहाँ तक देख रही हूँ जो वहाँ के इस्कान प्रभु का वहाँ पे पीस प्रोटेस्ट तो चल रही है, उनका अरेस्ट में यहाँ का इतने वर्ल्ड वाइड इस्कान टेम्पल्स में कोई प्रोटेस्ट नहीं, मगर यही इस्कान टेम्पल रशिया वार में जब मोदी जी बात करे तो वहाँ पे वर्कान में लग गई, वहाँ के सेफ जोन में वहाँ के जनता को लाकर वहाँ सेफ से, मगर यहाँ के लोग कोई भी इस पर कोई चर्चा भी नहीं रह रहे, उसको यूएन में नहीं लेके जा रहे हैं। ये तो वंडर है, ये मुझे स्प्लेंडेडली वंडर दिख रहा है कि आपने ये अपनी संस्था में अपने गुरुदेव को कुछ हो रहा है तो ये इतना साइलेंट कौन, ये किन लोगों ने इनको साइलेंट करवाया, ये तो बैक एंड में नहीं मालूम अब तक, मगर मालूम पड़ जाएगा एक ना एक दिन। मगर मैं इसका भरपूर विरोध करती हूँ। एक तरफ हमारे लोग यूनाइट हिंदू का नारा लगा रहे हैं और बागेश्वर धाम बाबा की तरफ से सारे बाबा जनता लोग गुरुजी से रोड पर आकर अपना पद यात्रा कर रहे हैं ताकि हिंदू यूनाइट हो। तो क्या हिंदू बांग्लादेश में अलग हो जाता है, क्या हिंदू यूएस में अलग हो जाता, नहीं ना। एज अ बिग ब्रदर हमारे पास बहुत तीन ऑप्शंस है, उसका भरपूर प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, ऐसा कर रहे हैं जनता को दिखाने का आवश्यकता मोदी जी पर भरपूर है, क्योंकि ये खामोशी से देखने वाला चीज नहीं है। भले ही रोड पर हर बात का प्रॉब्लम का इश्यू सॉल्व नहीं होगा, रोड पर आने से ही सॉल्व नहीं होगा, ये मैं समझ सकती हूँ मोदी जी। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि अगर हमने कुछ कर दिया तो यूएस का रेडी है कि बांग्लादेश को और एक ईस्ट एशिया का सीरिया बना देने का सोच रही है, ये मुझे मालूम। ऊंचे पद में बैठने वाले शेख हसीना जी की प्राइम मिनिस्टर ही इतना डर गई तो आम जनता का कैसा है, उन पर क्या बीत रही होगी हर दिन हर रात। तो इस पर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम सेफ मोड में इसका गेम को 2-3 मंथ्स और लगेगा, जब तक ट्रंप नहीं आएंगे कुछ सेटलमेंट नहीं होंगे, ये सारे को समझ में आ गए हैं इंडियंस को, मगर जो रियल में सिचुएशन में है उनको ताकत देने वाले सॉल्यूशंस हम कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। उन जमाते इस्लामी जो जेलों से भरकर उन लोगों को बाहर लेके आने वाले, ये वहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है, उस यूनिस गवर्नमेंट को आप हम रेस्पेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, अगर उनको यूनिस गवर्नमेंट को धमकाना है तो पावर कट कर सकते हैं हम लोग, वाटर कट कर सकते हैं, बिजनेस कट कर सकते हैं, इस पर तो यूएस हमको सलाह नहीं देगी कि हम किससे बिजनेस कर रहे हैं, वो उनका हमारा इंटरनल मामला है उनका नहीं। दूसरा चीज, अगर ये धमकियां भी हम नहीं दे पा रहे तो बैक एंड सिचुएशन में मुझे समझ में, मैं 100% आई एम कैपेबल टू अंडरस्टैंड दैट आप चिन्मयी प्रभुदास जी को आप सुरक्षा प्रोवाइड कर दिए, वो वहाँ पे जेल में है, मगर इनका प्राण हानि नहीं होगी, इस ऐसा सेफ्टी आपने इंटरनेशनल भी बात होगी, मैं समझ सकती हूँ। मगर एक एज ए नॉर्मल सिटीजन्स जो प्रताड़ित हो रहे हैं बाहर में, उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि एज ए बिग ब्रदर इंडिया आपके साथ है, ये मैसेज जाना जरूरी है, क्योंकि एक वॉर जोन में राजा जीत रहा है, ये सोल्जर्स का कॉन्फिडेंस बनाने रखती है, और राजा अगर हार रहा है, अगर ये रॉन्ग
मैसेज गया तो उनका कॉन्फिडेंस, जीतने वाले भी हार जाते, ये स्टोरी आपको मालूम है। तो हम क्यों मैसेजिंग नहीं भेज रहे हैं कुल्लम कुल्ला, इसमें क्या डर है? मैं अक्सर आपसे दो बात कई दिनों से कहना चाहती हूँ। 10 साल से आपका जो भी प्रोग्रेसिव मोड में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मगर मैं एज ए डीपली आपको एग्जामिन करी तो आप दो गलतियां कर रहे हैं। एक, संविधान बचाते बचाते आप कांग्रेस की गलतियों को, कांग्रेस गवर्नमेंट जो पिछले 70-75 साल को गलतियों को आप सुधारने में लगे हुए हैं, आप न्यू एक्ट्स कुछ भी नहीं ला रहे हैं, इसका मुझे खेद है। दूसरा बात है कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट न्यू विजन की तरह आप देख रहे हैं, मगर उसमें फिर से कांग्रेस की ही जो भी एप्लीकेशंस है उसको ही आप फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल आधार कार्ड, उस वो ही एक फ्लॉप है तीरी, ये आपको समझ में आ रही है, हमको समझ में आ रही है, उसको निकाल दीजिए। अगर यही आधार कार्ड है, यही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उसको कैंसिल कैसे, डिमोनेटाइजेशन किसने, कितने धैर्य से आपने सोल्यूशन निकाला? ऐसे ही आधार कार्ड निकाल दो, कुछ दूसरा बनाओ, इस बार लीगल हेयरिंग उसमें होना चाहिए, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लाकर आप दूसरा आधार कार्ड निकाल। 10 साल से आप अगर करे हो तो ये NRC का भी एक्ट बिना बना दे हुए आपको कितने हैं घुसपैठे, उसको कैसा निकालने का दूसरा सोल्यूशन निकाला, आप तक सोल्यूशन मिल गया होगा। ये NRC का आप बोलिए वो प्रोटेस्ट करना, मैं हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये सब यहाँ पे दिल्ली में कुल्लम कुल्ला फिर रहे हैं बांग्लादेशी, मगर अगर वहाँ पे उन लोगों को खाना तक भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो इस सिचुएशन में हम खामोश बैठना, ये मेरे तो इंटेलिजेंट का कोई स्टेप नजर नहीं आया, कोई ये ब्रेवरी का स्टेप या साइलेंट किलर की स्टेप नहीं। माफ कीजिए मोरी सर, मैं आपका ज्यादा टाइम लेना नहीं चाहती हूँ, मगर सभी में यूनिटी रैली, हिंदू यूनिटी रैली हो रही है, कोई भी इसका समझता बाहर नहीं आ रही। हम बांग्लादेशी को यही भी दिल्ली में बिठा कर उनका आधार कार्ड ने वो मस्जिद में जाकर पढ़ रहा है, वहाँ पे इस्कॉन का टेम्पल ही नहीं गए, उसको बैन करने का बोल रहे। इस वक्त हम मैसेज स्ट्रांग जाना पड़ना आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है, मैं अब वो वॉर जोन का कंडीशन बता रही हूँ। दूसरी चीज, हाँ मैं 3 सॉल्यूशंस आपसे विनयपूर्वक प्रेजेंट करना चाहती हूँ, हो सके तो ये पॉसिबल हो सकती है, मगर सिचुएशन बैक एंड में क्या है मुझे तो नहीं मालूम। एज अ जनता मैं आपसे बात ना करना चाहती हूँ। तो पहला क्वेश्चन, हम UN पीस कीपिंग मिशन में है, जब एक देश में माइनॉरिटीज को बचाने के लिए ये पीस कीपिंग फोर्स है, तो उसका इम्प्लीमेंट हम बांग्लादेश में क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN इसको देखना नहीं चाहते तो हम क्यों चुप बैठे हैं? अब तक दरवाजा खटखटाता था, यहाँ तो दरवाजा टेररिस्टों की खुलती है क्या? वहां पे देश के बर्बाद पे भी क्या खुल नहीं सकती? ये मिस्ट्री मुझे वंडर दिखाई पड़ रही है। दूसरे देश में हमारे फोर्सेस कैसे एंट्री करना है अब तक हम नहीं सीखा, तो कैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा। टू एंटर इन टू अदर कंट्रीज ये बिगेस्ट इश्यू नहीं है, हम जब इसराइल और हमास या लेबनान के कैसे घुसकर वो लोग बफर जोन्स बना रहे हैं आपका गवर्नमेंट में। दूसरा चीज मैंने पाया, आपने कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहे हैं, कंफर्ट जोन खत्म, इश्यू खत्म, वो लोग बदल जाएंगे। मोदी साहब, हमको कंफर्ट जोन नहीं बनाना है, हमको बफर जोन बनाना है। जब तक इसराइल लेबनान वार को जिस तरह नजरिए से मैंने देखा, वो लोग अपनी जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए बफर जोन्स बना रहे, मगर इतना बड़ा देश में ना ही पाकिस्तान के बॉर्डर पे बफर जोन है, ना ही बांग्लादेश के बॉर्डर में बफर जोन है, ताकि अगर कुछ हुआ तो वहां पे हमारे सेफ्टी में हमारे हिंदूस को रख सके। दूसरा इश्यू, मैं ऐसा देख रही हूँ एज ऑर्डिनरी सिटीजन, मगर ये काम करेगा क्यों ना,
वो लोग जेल से रिलीज करके हिंदू पर अटैक कर रहे हैं, जो गुंडा टेररिस्ट है उन लोगों को रिलीज, तो क्यों ना हमारे जेलों में भर्ती हुए लोगों का अगर हम डायरेक्टली वॉर पे अटैक आए तो ये वॉर सिचुएशन क्रिएट होगी, इसका सॉल्यूशन 2-3 महीने में आ जाएंगे, ये उम्मीद है मुझे। मगर तब तक हमारे जनता को वहां पे हिंदुओं को फाइटिंग करना भी नहीं आ रहा है, वो पीस प्रोटेस्ट कर रहा है मगर उनका प्राण धन मन तन सब वहाँ पे टेररिस्ट के हाथ में है। क्यों ना हमारे कुछ जनता वहाँ पे बैक एंड में जाकर उनको फाइटिंग सिखाए, तो क्योंकि वो लोग जब टेररिस्ट को उतार कर जनता को मार रहे तो हमारा भी कुछ सोर्स होना चाहिए ना। हमारे जेलों में जे हमारे बंधु भाई है उन लोगों को क्यों ना फ्रीडम फाइटर की दर्जा देंगे, जाओ वहाँ पे बचाओ बोल के सीक्रेटली सेकेंड रूट से क्यों नहीं भेज रहे, ये रॉन्ग ऑप्शन है मुझे भी समझ में आ रहे हैं, मगर कुछ भी कर सकते हैं, वी हैव टू विन द वॉर बोले तो सब कुछ जायज है लव एंड वॉर में ये कहते हैं, तो इसका सिचुएशन हम क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं सुधा ऐसा नहीं होता है, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल्स में बैक एंड में करना पड़ता है, अगर बैक एंड करना होता है उसको समझना है तो हम इंडियंस को समझ में आती है, मगर वो लोग फेस कर रहे हैं सिचुएशन उसको समझाना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए मैसेज जाना जरूरी है। मैं बोल रही हूँ अगर हम इंडियंस पर रिमार्क नहीं आना ऐसा आपका पोजीशन है तो हमको महाभारत ने सिखाया कैसे सिचुएशन को निपटना चाहिए, अश्वत्थामा अतः कुंजरः, ऐसे ही बच्चे हैं भड़का जाते हैं, बच्चे हैं टेररिस्ट बन जाते हैं, ऐसा सिचुएशन हम भी क्यों नहीं बोल सकते। यूएस सिचुएशन को बदलने ही अब वो लाइन को निकाल दीजिए, यूएस आपके पीछे भागना है कि हम कुछ ना चाहिए बांग्लादेश में ना कर सके करेंगे, ऐसा उनको डर पैदा कीजिए, हम डरेंगे नहीं, ये मैसेज जाना चाहिए। मैं ऐसा आपसे आशा करती हूँ आप कुछ ना कुछ उनके सपोर्ट में करेंगे, वो भी लाउडली करेंगे, क्योंकि बीजेपी में एलिगेशन है कि वो अपना कुछ भी कार्यक्रम हो उसको ठीक तरह प्रमोट नहीं करती है, तो आप जो भी कीजिए प्रमोट कीजिए विथ 100% कॉन्फिडेंस से कर। तो क्या हम हमारे जनता को किसी भी तरह यूज नहीं कर सकते हैं ताकि हमारे लोगों को दूसरे देश में है उनको प्रोटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं है, हम इलीगल करके कालिस्तान लोगों को कनाडा एक्सेप्ट कर लेती है, बांग्लादेशियों को यहाँ पे रोहिंग्या को एक्सेप्ट कर लेती है, क्या किसी प्रोटेक्शन के लिए कुछ लोगों को भेजे तो वो गलत क्यों हो गई थी। मगर मुझे एक तरफ वो गलत है मगर चिटगांग एरिया से टेररिस्टों को माल मिलती है ये सब लोगों को मालूम है, तो क्यों ये इस ओपन सीक्रेट में हम क्यों ना घुसे। थर्ड पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ, जापान और चाइना और ताइवान के ऊपर हर बार कवात होती रहती है, ड्रिल होती रहती है, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन हम क्यों क्रिएट नहीं कर रहे हैं। जब ये ऐसा डीपली वहाँ पे वायलेंस हो रहा है तो हम भी कुछ भेजकर यूनिस गवर्नमेंट को क्यों धमकी नहीं दे सकते, क्या वो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, हम लीगल और इलीगल प्रोसीजर्स जो हमको पसंद नहीं है हम क्यों परफेक्टली ओपनली कह नहीं सकते, ये मेरा क्वेश्चन है, क्यों अब तक ड्रिलिंग नहीं हुआ यूनिस गवर्नमेंट के ऊपर, अगर तुम गड़बड़ी करे तो हम हैं तुमको देखने वाले, ऐसा मैसेज क्यों नहीं गए। मेरा प्रश्न ये मेरा नहीं आम जनता का भी है, मैं ऐसा उम्मीद रखती हूँ अगर मेरे क्वेश्चन से या सवाल से किसी का भी मिनिस्ट्री को आहट मिले तो माफ कीजिए, मगर ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है, क्या हिंदू इज सेफ इन इंडिया, क्या हिंदू सेफ इन बांग्लादेश, क्या हिंदू सेफ इन कनाडा, ये सॉल्यूशंस हमको दूर दूर तक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे, ग्राउंड ऑपरेशंस सारा NSA और रा करने से अच्छा है
हम ओपनली करें इस बार। मेरा जहां तक नेशन फर्स्ट सॉल्यूशन में मेरा जहां तक नजरिया है, आर्मी को हम कुछ भी ड्यूटी नहीं देना चाहिए, जो भी करना है पॉलिटिकली करना है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है कि हमारे पीछे हमारा आर्मी खड़ा रहे हर वक्त, ऐसा सॉल्यूशन, मगर उनको काम नहीं देना है। तो मैं आपकी 10 इयर्स बाद में मेरा इंडियन आर्मी सेफ जोन में है, उनको इतना ड्रास्टिकली यूज एंड थ्रो जैसे कांग्रेस गवर्नमेंट की आपने नहीं किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मगर मैं जो बोल रही हूँ उस पर कुछ हो सके तो काम कीजिए। फिर एक वीडियो में मिलने तक सारे जनता से मैं लेती हूँ इजाजत। जय हिंद, जय भारत।